माय गॉड, वन मुर्गा देखो गाइस, वन मुर्गा ये बर्फ है ब्रो। सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय ब्लॉग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू मायावती। ऐसा कोई प्लान नहीं था ब्लॉगिंग का, बट मार्केट में किसी फ्रेंड ने कहा मायावती में बर्फ गिर रही है, तो हमने कहा चलो मायावती घूम भी लेंगे और साथ में ब्लॉगिंग भी कर लेंगे। तो इसके लिए अभी मायावती जा रहे हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए क्या मिलता है आगे। तो गाइस अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं उसे अद्वैत आश्रम मायावती के नाम से जानते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने एस्टेब्लिश किया था। क्या बोल रहे हैं मोहित जी आप? तो अभी हम यहाँ मायावती के रास्ते में, अभी बीच में एक मंदिर पड़ता है, सुंदर सा मंदिर, तो हम वहीं पे रुके हैं। गीला हो गया है, गीला सब कुछ, गीला हम गीले हो गए। मंदिर दिखाएंगे आपको, ये देख पा रहे होंगे शायद, ये है यहाँ का मंदिर। तो भाई लोग अभी हम यहाँ पे रुके थे मायावती के बीच में, ये मंदिर पड़ता है। अभी ये हम मंदिर देख रहे हैं, तो अभी हम वापस जा रहे हैं इधर से, क्योंकि जूते पहन के हम एंट्री नहीं लेंगे मंदिर में। तो दर्शन कर लिए मंदिर में, तो अभी हम मायावती को जा रहे हैं आगे को। मत्था टेक लिया, दर्शन हो गए, यही बहुत है। आ रहे हैं उधर से, हम आपको दिखाएंगे लोहागढ़ का पूरा शानदार सा व्यू। जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये कोसी गांव है और इधर से पूरा लोहागढ़ दिखता है। जितने भी पूरा लोहागढ़ का एरिया है, यहाँ से पूरा लोहागढ़ दिखता है, लेकिन अभी तो कोहरे से पूरा ही ब्लर हो गया, तो अब कुछ दिख रहा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ से कट गया हमारा, कुछ दिख रहा ही नहीं है। अभी देखते हैं मायावती जाते हैं, उधर से क्या पता। लेकिन मायावती की खूबसूरती तो आपको दिखाएंगे ही, मायावती में जाएंगे उधर क्या क्या सीन है, क्या वहाँ की स्टोरी है, क्या ऐसा उधर तो दिखाएंगे ही। लेकिन अभी यहाँ से हमने सोचा था कि इधर से आपको पूरा ही लोहागढ़ का सीन दिखाएंगे इधर से, तो दिख तो नहीं रहा यहाँ से पूरा, क्या कहते हैं कोहरे से पूरा बंद हो गया एरिया। तो अभी हम मायावती जाएंगे, उधर से दिखाएंगे आपको। ओके, तो मिलते हैं अभी मायावती में। ओ माय गॉड, वन मुर्गा देखो गाइस, वन मुर्गा कहाँ है? ये कहाँ रे? वो वहाँ तो नीचे गया, दिखा था मुझे, देखो मुझे दूर मिल गया। भाई हमें बन मुर्गा मिला है, बन मुर्गा यहाँ पे कहीं गया बन मुर्गा। ये तो ब्लॉग में एडवेंचर हो गया ब्रो। मेरे को तो ऐसा कहीं भाई, यहाँ वो शेर वेर भी आते हैं भाई, चल रहे हैं। गर्मी में आए ठंडा तो होना ही है। आप ऐसा नहीं कि गर्मी के टाइम में आ गए तो आप ये कुछ स्लीवलेस कपड़े पहन के लेके आ रहे हैं इधर, नहीं। ठंडा तो आपको 12 महीने मिलेगा इधर। ओ भाई ये देखो ये यहाँ बर्फ पड़ी है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं और थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या पता हमें बर्फ़ गिरते हुए भी दिख सकती है। तो अभी हम ऊपर को जा रहे हैं, तो भाई लोग अभी अब तो ठंडा भी गायब हो गया, एक्साइटमेंट बढ़ गई है। तो देखो ऊपर जा रहे हैं, देखो बर्फ पड़ जाए। यहाँ पे भी ओले पड़ते हुए तो हमें भी दिख रहे हैं अभी, फंसना जाए हमें, ऐसा लग रहा है कि हम फंस नहीं सकते इधर। यहाँ नॉर्मली जो हमारा एरिया लोहागढ़ से थोड़ा सा ये हाई एल्टीट्यूड में, तो इधर बर्फ़ में नॉर्मली गिर जाती है जो थोड़ा ठंडा पड़ने पर। लोहागढ़ में मतलब उतनी नहीं गिरती है, यहाँ पे लोहागढ़ से थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड में, तो इधर बर्फ़ गिरी जाती है। भाई लोग बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो हम गाड़ी तेज चला के भगा के इधर लेके आए हैं। अभी आश्रम में तो पहुँच गए हैं, लेकिन बारिश से बचने के लिए हम यहाँ पर अभी रुके पड़े हैं।
छत मिल रही है तो अभी हम यहाँ पर रुके पड़े हैं, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश रुक जाती है फिर उसके बाद आपको कुछ आश्रम दिखाएंगे किधर क्या है। सबसे पहले तो हमारे साथ ये कांड हो गया, बता दूँ नीचे हमें दिखी थी बर्फ़, वो काफ़ी पहले हल्की फुल्की थोड़ी बहुत पड़ी थी बर्फ़, तो वो अभी इधर तो कुछ भी नहीं है, सारी रह गई है बर्फ़। तो अभी हम या तो बर्फ़ पड़ जाए तो भी ठीक है, नहीं पड़ती है बर्फ़ तो फिर हम आपको आश्रम दिखाएंगे फिर रहेंगे घर को। ओके ये भाई ये ओले पड़े थे, हमें लगा ये बर्फ़ है, ये ओले पड़े हैं, हमें लग रहा था बर्फ़ है तो हम इसके लिए। Tell me one more beautiful light. One touch and I ignite. I feel the heat as we collide. Like a fever that feels alright. So baby tell me one more beautiful light. One touch and I तो भाई अभी अंधेरा इतना हो गया है, हमारी जो लोकेशन है जिस जगह पे हम रहते हैं लोहाघाट पे, उधर से 8 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है चंपा, इसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर ऐसे ही है। यहीं नीचे एक हॉस्पिटल भी है, इसी आश्रम का ही हॉस्पिटल है। तो गाइस आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट्स करना मत भूलिए।